यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी मित्रगणों को स्वागत है। हम अपने मित्रगणों को यह कहना यानी बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है। आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में ब्राह्मण देवता लोग कहा करते हैं, तो ब्राह्मण देवता क्यों कहा जाता है, इसी के संबंध में हम इस चैनल में हम आपको बता रहे हैं। इसे अवश्य देखिएगा। प्रथम यह समझ लीजिए कि ये सारा संसार देवी देवताओं के अधीन है, यह समझ जाइए। ये संपूर्ण संसार देवी देवताओं के अधीन है और देवी देवताओं ये मंत्र के अधीन है। और मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। जो भी हम यज्ञ हवन पूजा पाठ जो भी करते हैं वह मंत्र के द्वारा ही करते हैं, तो ब्राह्मण ही मंत्रों का ज्ञाता होता है, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होता है और उसी वैदिक मंत्र के द्वारा इन लोगों के पास, देवी देवताओं के पास मंत्र के द्वारा वह अर्पण किया हुआ चीज पहुंचता है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण मंत्रों का ज्ञाता होता है, जो भी कार्य करते हैं जो भी अनुष्ठान करते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा ही कराया जाता है। वैदिक मंत्रों के द्वारा अपना उच्चारण कर देवी देवताओं के पास आ जाता है। तो यही कारण है कि ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं के पास जो अर्पण करते हैं वह जाता है। तो इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि ब्राह्मण भी देवी देवताओं के समतुल्य हो जाते हैं। उन्हीं के समान वो भी हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाता है, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। क्योंकि देवी देवता भी मंत्र के अधीन हैं, मंत्र के ज्ञाता ब्राह्मण होता है, तो देवी देवताओं के समतुल्य हो गए, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। अब वीडियो को सब्सक्राइब लाइक घंटी अवश्य दबा दीजिएगा। तब तक के लिए ओम हर हर महादेव।